हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द क्लास। तो आज हम क्लास 11 फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो थर्ड लॉ है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। इन डिटेल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स किए थे सेकेंड लॉ से रिलेटेड। इम्पल्स के बारे में पढ़े हैं, वहाँ पे F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला पढ़े हैं। फर्स्ट लॉ में फोर्स का क्वालिटेटिव डेफिनेशन इफेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। तो थर्ड लॉ आज पढ़ना है, ओके। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लॉ को हम अप्लाई करते हैं, इस लॉ को हम डे टू डे लाइफ में डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में देखते हैं, ओके। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अपने लोअर क्लासेस में। तो अगर इसके स्टेटमेंट पे जाए तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, सभी को याद रह जाता है। यहां तक कि कोई साइंस नहीं भी पढ़ा होता तो भी कहीं ना कहीं से सुन के वो याद कर लिया रहता है, ओके। ऐसा होता है, पर बस स्टेटमेंट ही इसका सब कुछ नहीं है, समझने लायक बहुत सी बातें हैं इसमें। तो जितना हो सके आज यहाँ पे डिस्कशन करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन ये दोनों चीजें फोर्स है, हम फोर्स को ही लेके पढ़ रहे हैं। एक फोर्स अगर एक्शन है तो उसी फोर्स के लिए डेफिनेटली एक रिएक्शन फोर्स होगा, ये है स्टेटमेंट, ठीक है। एक एक्शन फोर्स होता है तो उसी के लिए रिएक्शन फोर्स होता है, और वो रिएक्शन फोर्स होगा कैसा, इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट एक्शन फोर्स। मैग्नीट्यूड में उतना ही होगा एक्शन की जितना डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट को अगर एक मैथमेटिकल अगर व्यू देना चाहें तो कुछ ऐसा हो सकता है। सपोज दो बॉडी है, एक बॉडी है ए एक बॉडी है बी, दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो बाय एनी मीन कोलिजन होके हो या कैसे भी हो, अगर दोनों के बीच में फोर्सेस एक्सचेंज, दैट मीन्स अगर दोनों कॉन्टेक्ट में आए तो ए बी के ऊपर एक फोर्स दिया, सपोज एफ बी ए नाम दिया गया है, कैसे पढ़ेंगे इसको, फोर्स ऑन बी बाय ए, एफ बी ए मतलब फोर्स ऑन बी बाय ए, बी के ऊपर ए जो फोर्स दिया, इस तरफ फोर्स दिया जानो एफ बी ए, ठीक है। तो यहां पे इसके लिए एक रिएक्शन फोर्स भी काम करेगा जो कि होगा एफ ए बी, दैट मीन्स बी ए के ऊपर भी उतना ही फोर्स देगा, ये थर्ड लॉ, ठीक है। एफ ए बी इज द फोर्स ऑन ए बाय बी, बी ए के ऊपर भी जो फोर्स देगा वो एफ ए बी होगा, और थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये होगा एफ बी ए इज माइनस ऑफ एफ ए बी, दैट मीन्स दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, ये होता है थर्ड लॉ, ठीक है। एक्शन रिएक्शन फोर्स यहां पे, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स के लिए मतलब इस थर्ड लॉ को अगर हम कुछ और बातें इंपॉर्टेंट जानने लायक यहां पे कुछ दिया गया है, कुछ पॉइंट्स है नोट कर सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। कंसेप्ट यहां पे क्लियर होना है ये सब बातें जान के कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, ये तो बात क्लियर है थर्ड लॉ के स्टेटमेंट से ही क्लियर है कि बस एक फोर्स नहीं होता, उसके लिए एक रिएक्शन डेफिनेटली होता है, ओके। एक बॉडी दूसरे बॉडी पे कुछ अगर फोर्स दिया है, दैट मींस वो दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे भी एक रिएक्शन फोर्स दिया होगा, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर होता ही होता है, ये स्टेटमेंट से क्लियर है पहली बात, ओके। उसके बाद एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज सो दे नेवर कैंसिल ईच अदर, इस पॉइंट पे अगर ये पॉइंट किसी को क्लियर नहीं है तो जनरली डिफरेंट बहुत से बच्चों के दिमाग में एक डाउट आ ही जाता है, कुछ सिचुएशन में डाउट आ जाता है कि इक्वल ऑपोजिट फोर्स बोल रहे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इक्वल ऑपोजिट फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट पे काम करे तो कैंसिल होता है, यहां पे तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे है, दो ऑब्जेक्ट है ना, अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट होता सपोज, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे एक फोर्स काम करता F और ऐसे एक फोर्स काम करता माइनस F, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट पे इक्वल ऑपोजिट फोर्स दोनों काम कर रहे हैं तो इसमें नेट फोर्स जीरो होगा, पर एक्शन रिएक्शन के केस में ऐसा नहीं है, यहां पे दो ऑब्जेक्ट है,
इसके ऊपर तो एक ही फोर्स काम कर रहा है ना, इसके ऊपर एक ही फोर्स काम कर रहा है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। एक ऑब्जेक्ट पे काम करने पे कैंसिल होता है, यहाँ पे तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस पहले ही क्लास से डिस्कस किए हैं, डायनेमिक्स के पहले क्लास से, कि बहुत से टाइप के होते हैं। हो सकता है कि चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मैग्नेटिक पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स हो, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स हो, स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स हो, ठीक है ना, फ्रिक्शन हो कहीं पे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फोर्सेस होते हैं। तो अगर एक्शन फोर्स एक काइंड का है तो उसका रिएक्शन भी उसी काइंड का होगा, ठीक है। एक्शन रिएक्शन फोर्स अलग अलग नहीं हो सकता, कि एक तरफ से हम देखें कहीं पे कुछ न्यूक्लियर फोर्स काम किया और उसके ऑपोजिट में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम किया, तो यहाँ पे इन दोनों का एक्शन रिएक्शन कभी नहीं मान सकते, सेम काइंड के होने चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों सेम काइंड के होते हैं। अगर टेंशन है तो टेंशन के रिएक्शन में भी टेंशन होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो उसके रिएक्शन में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। सेम काइंड के फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, ये बात क्लियर है। अच्छा, तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इससे हम ले सकते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। बहुत से कॉमन से एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि स्विमर है, स्विमिंग का जो प्रोसेस होता है वहां पे क्या होता है कि जो स्विमर होगा वो वाटर को पुश करेगा पीछे की तरफ, ओके, वो फोर्स देता है वाटर को पीछे की तरफ, तो वाटर भी स्विमर के ऊपर फोर्स देता है आगे की तरफ, उतना ही फोर्स देगा, इसलिए तो आगे बढ़ता है, ठीक है ना। पानी पीछे जाता है क्योंकि वो स्विमर उसको पीछे ढकेलता है, और पानी स्विमर को आगे ढकेलता है, उसका रिएक्शन फोर्स। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, पानी है स्विमर है, एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और एग्जांपल क्या हो सकता है, अच्छा एक चीज हम देख सकते हैं, अच्छा वेट मशीन हम देखें, वेट मेजरमेंट करते हैं हम, उसके ऊपर ऐसे खड़े हो जाते हैं तो हमारा वेट वो बता देता है, एक्चुअल वो क्या बताता है, ये चीज यहाँ पे कंसेप्चुअली क्लियर हो जाना। एक्चुअली हम वेट मशीन के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे उतना ज्यादा, क्योंकि एक और टॉपिक हम इलिवेटर वाला एक टॉपिक स्पेशल क्लास में हम करना है हमें, इलिवेटर लिफ्ट वाला, तो हम भी फिर से डिस्कस करना है। पर जान लो ये बात, अगर एक वेट मशीन है, ठीक है, अगर एक वेट मशीन है तो वो क्या दिखाता है, क्या हमारा वेट दिखाता है, नहीं, वो वेट नहीं दिखाता हमारा, वो दिखाता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अगर ये एक वेट मशीन है, इसके ऊपर अगर हम खड़े हैं, ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई खड़ा है, तो इसका मतलब ये जो दिखाएगा वेट, वो कौन सा रीडिंग देगा, वो रीडिंग देगा कि ये वेट मशीन इस बॉडी के ऊपर क्या नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। नॉर्मल रिएक्शन पता है ना, दो सर्फेसेस है, एक सर्फेस के ऊपर दूसरा है, तो 90 डिग्री में ये सर्फेस इसके ऊपर और ये सरफेस इसके ऊपर, दोनों के नॉर्मल रिएक्शंस एक दूसरे के साथ एक्शन रिएक्शन होते हैं, दोनों के नॉर्मल रिएक्शंस, नॉर्मल रिएक्शन वाले फोर्सेस एक दूसरे के साथ एक्शन रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे ये वेट मशीन इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा उसको वो दिखाता है, ठीक है। जब रेस्ट में होता है तो उस केस में, क्योंकि रेस्ट में कहीं मूव नहीं कर रहा है, इसलिए इसका वेट इस बॉडी पे अर्थ दे रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, इसका वेट, ठीक है, और उस बॉडी पे ये वेट मशीन दे रहा है नॉर्मल रिएक्शन n, और बॉडी रेस्ट पे है, ठीक से समझना इसको। एक बॉडी पे फ्री बॉडी डायग्राम पढ़े थे, अगर इस बॉडी पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो दो फोर्सेस काम कर रहा है इस केस में, कि अर्थ उसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स दे रहा है उसका जो वेट है mg, और ये मशीन उसको, क्योंकि उसके ऊपर खड़ा है ये, उसको ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स दे रहा है और वो रेस्ट में है, दैट मींस n इक्वल टू mg है, इसलिए n इक्वल टू mg है। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ये वो n दिखाता है, मतलब उसका वेट दिखाता है, mg उसका वेट दिखाता है। रेस्ट में होता है तभी ये केस है, ये मूव करता है तो ये वेट चेंज भी होता है, देखेंगे वेट कब चेंज हो जाता है वो एलिवेटर वाले केस में देखेंगे, पर यहाँ पे ये केस होता है। एक्चुअली में वेट दिखाता है नॉर्मल रिएक्शन, वो क्या नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है बॉडी को,
वो मेजरमेंट दिखाता है, ठीक है, वेट नहीं, क्लियर है ये बात। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि अगर एक वेट मशीन है और वेट मशीन के ऊपर हम अगर खड़े हैं, ठीक है, और सपोज जो हमारा सीलिंग है वो बहुत पास में ही है, अगर खड़े हो जाए ऐसे, जैसे मैं खड़ा हो गया वेट मशीन के ऊपर, मेरा वेट है 65 kg, ठीक है, तो 65 kg वेट, नॉट kg, ठीक है ना, वो मेरा मास है, 65 kg वेट, वो जो मेरा वेट है वो हो सकता है नियरली 650 newton होगा, वही तो होता है ना, पढ़े थे ऑलरेडी, 650 newton वो मेरा वेट है, तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं उसके ऊपर तो 650 newton वो दिखाएगा, ठीक है। पर अगर सपोज सीलिंग मेरे पास में ही है और सीलिंग को मैं ऐसे पकड़ा हूं, इमेजिन करना, ऐसे सीलिंग के ऊपर ऐसे जोर से ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स दे रहा हूं सीलिंग के ऊपर, तो क्या होगा, जो रीडिंग होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं सीलिंग को सपोज 5 newton फोर्स दे रहा हूं ऊपर की तरफ, तो मेरा वेट नीचे दिखाएगा 70 newton, 65 जो था मेरा था वो, पर रीडिंग अब दिखाएगा 70 newton। क्यों ऐसा दिखाया, क्योंकि मेरा तो वेट है 65 newton, वो ठीक है, पर क्योंकि मैं सीलिंग को ऊपर की तरफ 5 newton फोर्स दे रहा हूं, तो सीलिंग भी मुझे ओपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ 5 newton फोर्स देगा, मतलब मेरे ऊपर वेट तो 65 newton काम कर ही रहा है, अब सीलिंग भी मुझे दे रहा है 5 newton, इसलिए वो जो मशीन है वो मुझे दिखाएगा कितना, 70 newton दिखाएगा, होता है प्रैक्टिकली, करके देख लेना, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के थर्ड लॉ के एग्जांपल्स हैं कुछ, ओके। तो ये जो बात है, अच्छा एक बहुत से मतलब मिसकंसेप्शन कुछ बच्चों के पास रहता है, ठीक है, ये एक सरफेस है, ठीक है, ये बॉडी है उसका सरफेस है, ये दूसरा बॉडी है, इसका मास m है सब कुछ, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ मान लेते हैं कि इसका वेट mg और नॉर्मल रिएक्शन n, तो ये n और mg एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं ऐसा मान लेते हैं, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को ठीक से क्लियर कर लेना, इस मिसकंसेप्शन को, कंसेप्ट क्लियर रहना है, सेम काइंड ऑफ फोर्सेस होते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स, सेम काइंड ऑफ फोर्सेस। ये mg कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो बॉडी है इसके ऊपर mg ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन दे रहा है, अर्थ दे रहा है, मतलब अर्थ अगर उस बॉडी को mg फोर्स से खींच रहा है तो वो बॉडी भी तो अर्थ को mg फोर्स से खींच रहा है, वही तो होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स। इस बॉडी के ऊपर mg अगर अर्थ खींच रहा है तो ये अर्थ को भी mg फोर्स से खींच रहा है, वो है mg का और उस वेट का एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना, mg उसके ऊपर भी mg, अर्थ पे mg, अर्थ के ऊपर mg एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्योंकि एक बॉडी वो खुद है और एक बॉडी अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर रिएक्शन फोर्स है वो, पर ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है क्योंकि ये सरफेस दो टू है, तो ये बॉडी नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा और ये सरफेस इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा, ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के साथ एक्शन रिएक्शन होते हैं, ठीक है, पर क्योंकि ये रेस्ट में है इसलिए यहाँ पे न्यूमेरिकली इक्वल होता है, रेस्ट में है ना, अब इस बॉडी के ऊपर अर्थ दे रहा है mg, इस बॉडी के ऊपर ये सरफेस दे रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और रेस्ट में है, रेस्ट में है, दैट मींस अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होगा ही होगा, इसलिए n इक्वल टू mg हम बोलेंगे इस केस में, ठीक है, पर n और mg नॉर्मल एक्शन रिएक्शन नहीं होते, ओके, mg का मतलब जो रिएक्शन है वो mg ही है जो कि अर्थ के ऊपर है, उस बॉडी के ऊपर नहीं, ठीक है ना, एक ही बॉडी के ऊपर थोड़ी ना एक्शन रिएक्शन काम करेगा, इस बॉडी के ऊपर mg काम कर रहा है, इसी बॉडी के ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस वाला काम कर रहा है, रेस्ट में है इसलिए न्यूमेरिकल इक्वल है, पर एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, ठीक है। तो कौन है एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, ये इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं, ठीक है ये बात। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे एक्शन रिएक्शन फोर्स के लिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए। अच्छा, और एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, जो वॉकिंग एग्जांपल है, चलने वाला एग्जांपल, हम जो आगे चलते हैं, ठीक है, वॉकिंग प्रोसेस, ओके।
वर्किंग प्रोसेस में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? सीरीज, अगर जैसे ह्यूमन बॉडी है, ओके, दिस इज द ह्यूमन बॉडी, सपोज मैं कोई बॉडी नहीं बना रहा, ठीक है ना, ये ह्यूमन बॉडी है, तो हम जब आगे चलते हैं तो फोर्स कैसे देते हैं? अपने लेग के थ्रू अर्थ पे कुछ इस डायरेक्शन पे फोर्स देते हैं, ठीक है ना, आगे चलेंगे तो ऐसे ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन पे कुछ अर्थ के ऊपर फोर्स देते हैं। तो अगर हमको थर्ड लॉ क्या होगा, इस डायरेक्शन पे इसका रिएक्शन काम करेगा, इस एफ का रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे एमजी की बात नहीं कर रहे हैं, ओके, चलो एमजी की बात कर भी लेते हैं, ये बॉडी है तो इसके ऊपर जो वेट इस तरफ काम कर रहा होगा एमजी, नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, ठीक है, पर ये फोर्स दिया है आपको ऐसे, उसी फोर्स का रिएक्शन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ऑपोजिट में ऐसे आर लगेगा, ठीक है। तो देखो, सपोज हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल है थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ आर का एंगल थीटा है, तो आर को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, कर तो सकते हैं ना, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिए, इस तरफ काम किया आर कॉस थीटा, इस तरफ काम किया आर साइन थीटा, और कोई मतलब ऐसे चौंक मत जाना, ये सब क्या चल रहा है, हम ऑलरेडी वेक्टर चैप्टर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, सॉरी नॉट नॉर्मल रिएक्शन, ये जो रिएक्शन फोर्स है इस एफ का, ये एक फोर्स है, वेक्टर है, तो उसको हम रिजोल्यूशन कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा, रिजोल्यूशन कर लिए। अब देखो कि हम ना ही ऊपर उतना ही उठ रहे हैं, ना ही नीचे जा रहे हैं, हम तो आगे चल रहे हैं ना, तो ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं, मतलब ये r sin theta और mg दोनों इक्वल है, तभी तो ये हो रहा है ना, r sin theta equal to mg, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये सब फोर्सेस काम कर रहे हैं, r sin theta mg इक्वल ऑपोजिट में ऊपर की तरफ नीचे की तरफ है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, इसीलिए ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, जा कहां रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो किस फोर्स की वजह से जा रहा है, r cos theta फोर्स की वजह से जा रहा है, क्लियर है। तो वर्किंग एग्जांपल में थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये यहाँ पे यूज होना, थर्ड लॉ, ठीक है, तो ऐसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करके, क्लियर है इतनी बातें। तो ये होता है एक्शन रिएक्शन फोर्स, ओके। यहाँ पे एक और एक एग्जांपल ही मान के चलेंगे, उसको थोड़ा सा डिटेल्स में मैथमेटिकल स्टडी कर लेते हैं, देखते हैं कि हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम क्या होता है, घोड़ा गाड़ी देखे हो नहीं देखे हो तो भी टीवी पे किसी मूवी पे देखे ही होगे, घोड़ा गाड़ी, एक या दो घोड़े रहते हैं और स्ट्रिंग के थ्रू ऐसे बंधे हुए होते हैं और एक चलाता रहता है और वह आगे बढ़ता है, ठीक है, पर वहां पे हम डायनेमिक्स उसका पूरा निकाल देंगे आज, ठीक है। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, तो सपोज ये हॉर्स है, ठीक है, इतना मैं यहाँ पे हॉर्स बना रहा हूं, अच्छा दिखेगा, ये बन गया मेरा हॉर्स, ठीक है ना, तो ये हॉर्स हो गया, ऐसे स्ट्रिंग लगा है और यहाँ पे है कार्ट, ओके, दिस इज द कार्ट, हॉर्स हो गया, कार्ट हो गया ये, अब आगे बढ़ना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका डायनेमिक स्टडी करना है तो क्या करेंगे, सभी फोर्सेस को लेंगे डायनेमिक स्टडी करना है, तो फोर्सेस लिए तो फ्री बॉडी डायग्राम देख सकते हैं, ओके, एम्बिशन क्या है हमारा कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए ट्राई करेंगे पूरे सिस्टम का। सपोज जो हॉर्स है उसका मास है स्मॉल m, कार्ट का मास है कैपिटल m, हॉर्स का मास है स्मॉल m, कार्ट का मास है कैपिटल m, ठीक है। अच्छा, हॉर्स के ऊपर फोर्सेस, इसका वेट mg नीचे काम करेगा, पता है हमें, हॉर्स आगे बढ़ेगा, तो अभी जो हम वॉकिंग प्रॉब्लम में देखे थे कि ये हॉर्स का भी जो लेग होगा वो ऐसे फोर्स देगा, फोर्स F, अर्थ को ऐसे फोर्स देगा, तो इसी F का रिएक्शन फोर्स काम करेगा इस तरफ R, वही सेम बात होगा यहाँ पे भी, क्लियर है। तो इस R को यहाँ पे अगर कंपोनेंट में फिर से डिवाइड कर देते हैं, आगे की तरफ सपोज कैपिटल H और ऊपर की तरफ V, ऐसा क्यों लिया हूं मैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, नाम में थीटा नहीं लिया हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, H और V के फॉर्म में देखते हैं, तो आगे की तरफ H,
ये हो गया वी, क्लियर है इतना। अब आते हैं कुछ और फोर्सेस में, हॉर्स पे ही इतना नहीं है फोर्स। अब एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, कार्ड के साथ स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना, और स्ट्रिंग के केस में हम देख चुके हैं एक और टाइप का फोर्स होता क्या है, वो टेंशन काम करता है और जहां पे कनेक्टेड है वहां से निकल के आता है, मतलब स्ट्रिंग पे इस तरफ टेंशन टी भी तो काम कर रहा होगा। किस पे टेंशन? हॉर्स पे टेंशन काम कर रहा होगा अलोंग द स्ट्रिंग, इस तरफ पढ़ चुके हैं ठीक है। इतने सारे फोर्सेस हो गए हॉर्स के ऊपर, अब कार्ट पे भी आते हैं तो इसका भी काम करेगा नीचे की तरफ, इसका वेट mg, क्लियर है। और क्या फोर्स? यहां पे भी तो स्ट्रिंग बना है तो इस तरफ वही t। फिर से बोलूं एक बात, एक ही स्ट्रिंग एक ही टेंशन, पढ़े थे पहले, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम, तो t काम करेगा इस तरफ ठीक है। अच्छा, और इस पे इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन स्मॉल f, ओके फ्रिक्शन लगेगा स्मॉल f, और क्या काम करेगा? और कुछ नहीं। अच्छा, इस पे काम करेगा, अगर ये mg है तो अर्थ के लिए इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी काम करेगा ठीक है, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी काम करेगा अर्थ के लिए, ओके। तो अब देख लेते हैं क्या होता है, यहाँ पे सभी फोर्सेस हो गए। अब हॉर्स की बात करते हैं पहले, अगर हॉर्स के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, सीधिस हॉर्स ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे, मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये mg दोनों इक्वल और कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, v और mg दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ठीक है। अब हॉर्स आगे बढ़ेगा किसके लिए? इस h और ये टेंशन t, उन दोनों के इफेक्ट से हॉर्स आगे जा रहा है ना, तो नेट फोर्स हॉर्स के ऊपर, नेट फोर्स क्या होगा? सीधा डायग्राम, नेट फोर्स हॉर्स के ऊपर दिस इज H माइनस टी होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आगे जा रहा है, मतलब डेफिनेटली ये फॉरवर्ड वाला फोर्स ग्रेटर ही होगा, बैकवर्ड वाला पीछे की तरफ जो फोर्स है वो उससे स्मॉल होगा, तो H माइनस टी नेट फोर्स है, बाकी फोर्स कोई काम का नहीं है क्योंकि V और mg एक दूसरे को कैंसिल किए, क्योंकि ना ये हॉर्स ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, तो बस ये दोनों फोर्स बाकी रहे, तो H माइनस टी ये हो गया इसके ऊपर फोर्स ठीक है। तो अब इसका मास तो एम है, ये नेट फोर्स है, so this will be m into a, ये होगा कि नहीं? कहां से आया? second law of motion से, net force equal to mass into acceleration, एक acceleration a से, ये पूरा का पूरा system acceleration a से तो चल रहा है ना, जितना acceleration इसका उतना इसका ही है, connected है दोनों, एक ही acceleration से पूरा system चल रहा है, तो बस इसी को देख रहे हैं हम, इसके ऊपर net force ये है, तो net force equal to उसका mass into acceleration जिससे चल रहा है वो, ये समझ में आया? अच्छा, अब लेते हैं कार्ट की बात, कार्ट पे नेट फोर्स क्या होगा, कार्ट पे नेट फोर्स क्या होगा? See this, इस कार्ट पे कार्ट आगे की तरफ चल रहा है, यहां पे ये नॉर्मल रिएक्शन mg है, दोनों इस पे को कैंसिल करेंगे, क्यों करेंगे? ना ही ऊपर उठ रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब ये mg नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल किए ठीक है। अब कौन सा फोर्स रहा? आगे की तरफ है टी, और वो तो आगे ही जा रहा है तो टी ग्रेटर होगा, पीछे की तरफ है फ्रिक्शन स्मॉल f, ये फ्रिक्शन है ना स्मॉल f, क्या है यहाँ पे फ्रिक्शन, लिख लेंगे इसको फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन पढ़े नहीं है, फिर भी रहता है जो सरफेस के बीच में ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन हो गया, तो टी माइनस f ये नेट फोर्स हो गया, दैट विल बी इसका मास है कैपिटल m, एक्सेलरेशन है स्मॉल, ये इक्वेशन मिला किसके लिए? कार्ट के लिए ठीक है। अगर आप इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? देखो t कैंसिल हो गया, बाकी रहा h माइनस f इज इक्वल टू इस तरफ रहा स्मॉल m प्लस कैपिटल m इनटू a, ये मिला। दैट इंप्लाइज अगर यहाँ पे स्मॉल a और एक्सेलरेशन को अगर निकालेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं एक्सेलरेशन a इक्वल टू फ्रॉम दिस h माइनस f बाय m प्लस m, ओके तो फाइनली ये होता है एक्सेलरेशन। बाकी जितने भी फोर्सेस हैं फ्री बॉडी डायग्राम से कोई काम का नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस रिएक्शन फोर्स माइनस फ्रिक्शन ऑन द कार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट विल गिव द एक्सेलरेशन, क्योंकि नेट ये सिस्टम इस फोर्स से जा रहा है, ये पूरा सिस्टम ठीक है।
तो सभी टाइप के फोर्स को कंसिडर करके ही हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और ऐसे केसेस स्टडी करते हैं। समझ में आया? तो थर्ड लॉ कहाँ पे अप्लाई हुआ? यहाँ पे एक जगह पे ही अप्लाई हुआ है, पर उसी से ही तो पूरा कहानी है आगे बढ़ने वाला कहानी। क्लियर है? तो ये होता है हॉर्स का प्रॉब्लम। ये फॉर्मूला यहाँ से आया, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन इससे बनते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे यूज करना है, कोई बात ही नहीं। ओके, पर ऐसे कनेक्टेड मोशन, ये कनेक्टेड मोशन टाइप का एग्जाम्पल हो गया। इतने में ही हमें नहीं रुकना है, कनेक्टेड मोशन की बहुत से एग्जाम्पल आगे भी करेंगे, जब पुली की बात करेंगे या ऑब्जेक्ट कनेक्टेड होकर मूव करना है, फोर्स वगैरह वो देखेंगे आगे, और भी डिस्कस करना है, क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, ठीक है। पर थर्ड लॉ कैटेगरी यहाँ पे एक जस्ट एग्जाम्पल की तरह देखते हैं इसको। क्लियर हो रहा है? तो ये होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन फोर्स का कंसेप्ट। अच्छे से इस वीडियो को हो सके तो बार बार देख के दिमाग में बिठा देना, कोई मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन, तीनों लॉ कंप्लीट हुआ। पर डायनेमिक्स अभी खत्म नहीं हुआ है, इसी चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट बातें आगे भी जाननी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और बातें जानेंगे, वो एलिवेटर लिफ्ट वाला पढ़ सकते हैं या तो मोमेंटम वाला पढ़ सकते हैं, देखेंगे क्या पढ़ना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।